यूपी एसटीएफ की कानपुर यूनिट है बर्रा थाना। अबर्रा थाना क्षेत्र के रामगोपाल चौराहे से करोड़ों रुपए के चरस के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से शहर में चरस तस्करी के काम में लगे हुए थे। आपको बताते चले कि पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र के रामगोपाल चौराहे के पास का है, जहां यूपी एसटीएफ की कानपुर यूनिट की टीम को यह जानकारी लगी कि कुछ लोग लंबे समय से चरस तस्करी का काम कर रहे हैं, जिस पर यूपी एसटीएफ की टीम ने जाल बिछाते हुए सोमवार को छापेमारी कर रामगोपाल चौराहे से 85 किलो चरस के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए छात्रों की पहचान रोशन पटेल, आशीष टक्कर, शैलेंद्र कुमार, सोनी और सीलू के नाम से हुई है, क्योंकि लंबे समय से शहर में चरस तस्करी के धंधे को संचालित कर रहे थे। पकड़े गए तीनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल। दिनांक 24/25 की रात्रि में कानपुर एसटीएफ और बर्रा थाने की पुलिस द्वारा रामगोपाल चौराहे के पास एक संदिग्ध पिकअप बोलेरो को चेक किया गया, जिसमें तीन अभियुक्त जो है पकड़े गए, जिनके पकड़े गए हुए अभियुक्तों को द्वारा जो है लगभग 85 किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुई। ये जिनके नाम आशीष, रोशन और शैलेंद्र हैं। शैलेंद्र का वाहन था जिसमें अलग से इसने एक बॉक्स बना के रखा था चेचिस से सटा के, उसी में उसकी तस्करी करता था। ये नेपाल से इसकी तस्करी करता था, नेपाल के रास्ते बिहार और होते हुए जो है कानपुर में इसकी सप्लाई करते थे। तीनों के खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।